हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में कंटिन्यूटी का हमारा थर्ड लेक्चर है। कंटिन्यूटी के इस लेक्चर में हम डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के प्रीवियस लेक्चर में हमने कोसी की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, हेनी की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और उन पर आधारित एक थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था। बेसिकली जो हमारी कंटिन्यूटी की अवधारणा होती है वो होती है लिमिट्स पर आधारित। कंटिन्यूटी क्या होती है स्टूडेंट्स? कोई भी फलन दे रखा हो y बराबर एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पर फलन सतत होता है यदि फंक्शन का मान उस पॉइंट पे फंक्शन की बाई सीमा फलन की दाई सीमा बराबर, अगर ये वाली कंडीशन है तो वो जो फंक्शन हमें दे रखा है वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है गिवन पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी हमारी ये होती है जो हमारी ऑर्डिनरी डेफिनेशन है या लिमिट्स पर आधारित डेफिनेशन है। डिसकंटिन्यूटी असांतत्यता, डिसकंटिन्यूटी या असांतत्यता। असांतत्यता क्या होती है स्टूडेंट? कोई भी फंक्शन दे रखा हो फलन y बराबर एफ एक्स, फलन y बराबर एफ एक्स असतत कहलाता है यदि वह सतत ना हो। मतलब फंक्शन की ये कंडीशन सत्य ना हो या इनमें से कोई भी एक ही आ जाए, जैसे ये नॉट इक्वल टू आ जाए इन लिमिट्स के, लिमिट्स बराबर हो परंतु फंक्शन का मान क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो, या फिर फंक्शन का मान इक्वल हो और दोनों ये वाले बराबर नहीं हो, या कोई भी एक लिमिट सब वो इस फलन के मान के बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में फलन क्या कहलाता है? असतत कहलाता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी फलन है वो किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यू कब कहलाता है? जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की सीमा एग्जिस्ट ना हो, सीमा का मान अद्वितीय ना हो, तो वो फलन क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यू कहलाता है। डिसकंटिन्यूटी कई प्रकार की होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइप है डिसकंटिन्यूटी का, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट प्रकार है डिसकंटिन्यूटी का रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। प्रथम प्रकार है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या अपने असांतत्यता। डिसकंटिन्यूटी अपने असांतत्यता क्या होती है फ्रेंड्स? कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो, जैसे फलन y बराबर, जैसे मैं आपको फलन का एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे कोई भी फंक्शन है हमारे पास, जैसे ये वाला फलन है, यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू, जैसे फलन एफ एक्स या y बराबर एफ एक्स इक्वल टू, उसने फंक्शन दे दिया हमें जैसे एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास फलन है एक्स वन, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाला फंक्शन है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। सबसे पहले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी फंक्शन दे रखा हो वो एक विशेष बिंदु पर अपने असांतत्य कहलाता है यदि उस पॉइंट पर फंक्शन की दाई सीमा और बाई सीमा तो बराबर हो परंतु फलन का मान बराबर नहीं हो। या इस ये जो है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। होती क्या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? x बराबर a पर एफ एक्स रिमूवेबल कहलाता है यदि एफ ऑफ a उस पॉइंट पे फंक्शन का मान जो है वो बराबर नहीं हो परंतु उसकी दाई सीमा और बाई सीमा दोनों क्या हो, बराबर हो, तो फलन क्या कहलाता है? रिमूवेबल कहलाता है। मतलब फंक्शन का जो मान है वो क्या नहीं हो सकता, बराबर नहीं होगा। अब देखिए इस फंक्शन को देखिए, y बराबर एफ एक्स फलन है हमारे पास, जब x टेंड्स टू जीरो की ओर अग्रसर है, x का मान जीरो के बराबर नहीं है
तब फंक्शन का मान है हमारे पास वन, मतलब x टेंड्स टू जीरो है, जीरो की ओर अग्रसर है, इसका मतलब है इसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा का जो मान है वो वन आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर मान है, यूनिक मान है एक वन। तो यहाँ से जो फंक्शन दे रखा है f, जैसे x बराबर जीरो पे, तो जीरो प्लस एच जो है बाई ओर अग्रसर है, f जीरो प्लस एच का मान वन है, तथा f जीरो माइनस एच का मान भी कितना है वन है, क्योंकि x टेंड्स टू जीरो है, तो यहाँ पे हम दाई सीमा और बाई सीमा ज्ञात करें तो उसका मान वन ही आएगा। x बराबर जीरो पे फंक्शन का मान क्या है हमारे पास जीरो है, और f जीरो पे फलन का मान क्या है जीरो, इसका मतलब दाई सीमा और बाई सीमा दोनों तो बराबर है परंतु फलन का मान क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है वो किसको शो कर रहा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को शो करता है, अपने असांतत्यता को शो करता है। एक फंक्शन और स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में क्वेश्चन आता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी का एग्जांपल लिखिए। तो साइन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाला एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू ए, और आगे वाला है फलन का मान जीरो एक्स इक्वल टू ए का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये फंक्शन दे रखा है जब एक्स टेंड्स टू जीरो, ए एक्स टेंड्स टू ए है, इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू, या लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का मान जो है ये वाला है, जब x है वो a की ओर अग्रसर है, उस कंडीशन में फंक्शन का मान ये वाला है साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये वाला फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा फलन है जब x है वो a की ओर अग्रसर है, तो इसकी दाई सीमा और बाई सीमा ज्ञात करेंगे। पहले इसकी एल एच एल फाइंड कर लेते हैं, एल एच एल जो है वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव से लिखते हैं, या फिर f a माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू जीरो a माइनस h पुट करेंगे x के लिए a माइनस h, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन a माइनस h माइनस ए, नीचे आ जाएगा a माइनस h माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, इधर a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन माइनस h अपॉन माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन बाहर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, मानक लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू होता है वन, तो यहाँ से इसका मान आ गया हमारे पास वन। ये क्या आ गई इसकी एल एच एल आ गई, अब हम इसकी आर एच एल फाइंड करेंगे, आर एच एल, आर एच एल फाइंड करने के लिए फलन हमारे पास ये वाला ही है, आर एच एल के लिए लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ए प्लस एच, ये वाला पुट करेंगे, तो यहाँ से फंक्शन का मान रखेंगे हम, ये वाला फलन है हमारा, तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस एच, या लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करना है, ये वाला है साइन ए प्लस एच माइनस ए अपॉन, नीचे आ जाएगा ए प्लस एच माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, तो साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा आर एच एल का मान लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच, इसका मान आ गया वन। तो एल एच एल का मान आया वन और आर एच एल का मान भी आया हमारे पास वन, परंतु इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर टू मान लिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, बट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन का जो मान है वो कितना है जीरो, एक्स इक्वल टू ए पर, अर्थात एफ ए y बराबर एफ एक्स जो है x बराबर a पर f ऑफ a जो है वो कितना है हमारे पास जीरो है। समीकरण नंबर तीन, समीकरण दो तीन और एक से ये वाला है, एफ ए पे फंक्शन का मान नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ ए प्लस एच
और एफ ए माइनस एच है वो दोनों बराबर, इसका मतलब है ये जो फलन हमें दे रखा है वो किसको शो कर रहा है, वो शो करता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को। फर्स्ट प्रकार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी के आपके क्वेश्चन से एक्सरसाइज में दी हुई है कि दिया गया जो फलन है वो किसको शो करता है। तो आपको ऐसे पहले उस फलन की जांच करनी है कि उसकी उसके फंक्शन का मान क्या है, उसकी दाईं सीमा क्या है, उसकी बाईं सीमा क्या है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर आती है तथा फंक्शन का मान जो है वो अलग आता है तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी डिसकंटिन्यूटी को क्या करेगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा, अपने असांतत्यता को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारा सेकंड टाइप है डिसकंटिन्यूटी का, प्रथम प्रकार की असांतत्यता या साधारण असांतत्यता। तो ये है आगे वाला सेकंड टाइप। फर्स्ट था रिमूवेबल, जहाँ पे फलन का मान इक्वल नहीं होगा, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर होगी तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी को शो करेगा। आगे प्रथम प्रकार की असांतत्यता या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी नंबर दो, प्रथम प्रकार की असांतत्यता या साधारण असांतत्यता ये वाला है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। प्रथम प्रकार की असांतत्यता या फिर साधारण असांतत्यता क्या होगी स्टूडेंट्स, कोई भी फलन दे रखा है वो प्रथम प्रकार की असांतत्यता को कब शो करेगा, जब उस फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर ना हो। फंक्शन का मान वहाँ पे मायने नहीं रखता, परंतु फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल ना हो। फलन y बराबर एफ एक्स x इक्वल टू a पर प्रथम प्रकार से असांतत्य होगा यदि इस पॉइंट पे फंक्शन की दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर नहीं हो, तो वो फलन जो है वो किसको शो करेगा, प्रथम प्रकार की असांतत्यता को शो करेगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू पहले जीरो, जब एक्स का मान है लेस देन जीरो वन, एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस वन मान दे दिया और x बराबर जीरो पे फलन का मान है जीरो, x इक्वल टू जीरो पे जीरो वन, x ग्रेटर देन जीरो, ये वाला है। तो ये जो फलन दे रखा वो प्रथम प्रकार से असांतत्य, क्योंकि ये दाईं सीमा को शो करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। देखिए दो साइड होती है, ये वाली राइट साइड है और ये वाली लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कोई फलन का मान है, इसका मतलब है ये वाला माइनस वन, ये माइनस वन दे रखा, ये वन दे रखा और ये वाला जीरो दे रखा है, इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो है माइनस वन और फंक्शन का जो मान है वो है हमारे पास जीरो, एफ एक्स का मान जीरो है एक्स बराबर जीरो पे, और फलन की बाएं सीमा हमारे पास है आर एच एल का जो मान है वो कितना है वन है एक्स बराबर जीरो पे। तो यहाँ से एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन का मान कितना स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो, फलन का मान जीरो, फलन की दाईं सीमा और ये वाली बाईं सीमा एक्स बराबर जीरो पर फलन की दाईं सीमा जीरो माइनस एच इक्वल टू है माइनस वन, एक्स बराबर जीरो पे फलन की बाईं सीमा एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या सुन, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब एफ जीरो माइनस एच नॉट इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच, इसका मतलब ये किस प्रकार से, प्रथम प्रकार से डिसकंटिन्यू। आगे वाला है द्वितीय प्रकार की असांतत्यता या द्वितीय प्रकार की असांतत्यता, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा द्वितीय प्रकार से असांतत्य कब होता है, जब उस फलन की, ये सेकंड टाइप है प्रथम प्रकार की असांतत्यता या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। थर्ड प्रकार है, प्रथम प्रकार था अपने असांतत्यता अर्थात फंक्शन का जो मान है वो नॉट इक्वल था
दाई सीमा और बाई सीमा हमारी बराबर थी। और साधारण में क्या था, साधारण में दाई सीमा नॉट इक्वल टू ये वाली, दाई सीमा और बाई सीमा बराबर नहीं थी। अब थर्ड है हमारा द्वितीय प्रकार की असांतत्यता, द्वितीय प्रकार की असांतत्यता, द्वितीय प्रकार की असांतत्यता कौन सी होती है स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन दे रखा हो y बराबर एफ एक्स, इसे फलन दे रखा है y बराबर एफ एक्स, x इक्वल टू a पर द्वितीय प्रकार से डिसकंटिन्यू कहलाता है यदि इस पॉइंट पे इस फंक्शन की ना तो दाई सीमा एग्जिस्ट हो और ना ही बाई सीमा एग्जिस्ट हो, अर्थात फलन की सीमा ही एग्जिस्ट ना हो इस पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाता है, वो फंक्शन जो है दाई सीमा और बाई सीमा विद्यमान ना हो, अर्थात x इक्वल टू a पर फलन द्वितीय प्रकार से, द्वितीय प्रकार से असांतत्य कहलाता है यदि, कहलाता है यदि, द्वितीय प्रकार से असांतत्य कहलाता है यदि x बराबर a पर दाई सीमा f a प्लस h डज नॉट एग्जिस्ट या बाई सीमा वो भी क्या हो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब या तो दोनों सीमाएं या दाई सीमा या बाई सीमा दोनों में से एक क्या नहीं हो विद्यमान नहीं हो, तो फलन जो है वो उस पॉइंट पे क्या कहलाता है द्वितीय प्रकार से असांतत्य कहलाता है, या दाई सीमा और बाई सीमा दोनों ही एग्जिस्ट ना हो तो उस कंडीशन में फलन क्या कहलाता है, उस कंडीशन में फलन दोनों एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए तो उस कंडीशन में फंक्शन द्वितीय प्रकार से डिसकंटिन्यू कहलाता है। नंबर चार मिश्रित या मिक्सर डिसकंटिन्यूटी, मिक्सर डिसकंटिन्यूटी मिश्रित असांतत्यता, मिक्सर डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो, मिक्सर डिसकंटिन्यूटी का मीन है कोई भी फलन वाई बराबर एफ एक्स मिक्सर डिसकंटिन्यू कहलाता है यदि उस फंक्शन की दाई सीमा और बाई सीमा में से एक तो एग्जिस्ट ना हो और एक क्या हो एग्जिस्ट हो, मतलब दाई और क्या हो, जैसे ये वाला हमारा कोई फंक्शन है यहाँ पे, जैसे ये इधर बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का मान है जैसे एफ जीरो पे फलन का मान जीरो है और यहाँ पे क्या है माइनस वन है और आगे मान का निर्धारण नहीं है, मतलब एल एच एल का जो मान है वो हमारे पास है वन और फंक्शन का मान है हमारे पास है जीरो, तो इसका मतलब है या फिर यहाँ पे भी फलन का जो मान है हमारे पास कितना आ जाए माइनस वन आ जाए, फंक्शन का मान इसी पॉइंट पे हो एफ जीरो पे फंक्शन का मान माइनस वन और उसकी एल एच एल भी कितनी हो एल एच एल माइनस वन हो, अर्थात एक तरफ तो डिसकंटिन्यू मतलब सीमा एग्जिस्ट ना हो, जैसे दाई तरफ बाई तरफ जो है वो सीमा विद्यमान नहीं है परंतु दाई तरफ ये सतत है, अर्थात यहाँ पे फलन का मान और फलन की दाई सीमा एल एच एल और फंक्शन का जो मान है वो बराबर है परंतु आर एच एल का कहीं पता नहीं है अर्थात वो एग्जिस्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या कहलाता है ये, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन जो है वो मिस और डिसकंटिन्यू कहलाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अर्थात एल एच एल जो है वो बराबर है फंक्शन के मान के, जैसे एफ ओ फे पे फंक्शन का मान है ये, परंतु आर एच एल जो है वो क्या हो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कहीं पता ना हो डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंडीशन हो एक तो मिसर डिसकंटिन्यू की है या फिर एल एच एल क्या हो एग्जिस्ट ना हो, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, या आर एच एल और फंक्शन का जो मान है इसी पॉइंट पे वो क्या हो बराबर हो, तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है मिक्सड डिसकंटिन्यू कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है हमारे पास लास्ट पांच नंबर इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फलन की दाई सीमा अनंत असांतत्यता, जैसा कि इसकी नाम से ही विदित है अनंत असांतत्यता, अनंत असांतत्यता का मतलब है
कि या तो फलन की दाईं सीमा जैसे x बराबर a पर हमारा फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स, इसकी दाईं सीमा है हमारे पास एफ ए माइनस एच, या तो दाईं सीमा क्या हो एग्जिस्ट हो परंतु बाईं सीमा का मान क्या हो अनंत हो, मतलब किसी भी एक सीमा का मान क्या हो इन्फिनिटी आ जाए, तो उस पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। मतलब कोई भी फलन दे रखा हो x इक्वल टू a या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की एक सीमा या दोनों सीमाओं का मान जो है वो अनंत हो, एक या फिर दोनों का मान क्या हो अनंत हो, तो वह उस पॉइंट पे क्या कहलाता है अनंत असांतत्य या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। ये थे कुछ कंटिन्यूटी के प्रकार। प्रथम था अपने असांतत्य थे जहाँ पे फलन का मान जो है वो दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होगी, फंक्शन का मान उस कंडीशन में बराबर नहीं होगा। प्रथम प्रकार की थी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर ना हो। द्वितीय प्रकार की जहाँ पे दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों ही एग्जिस्ट ना हो। मिश्रित असांतत्यता में कोई भी फंक्शन दे रखा हो मिश्र में एक तो एग्जिस्ट होगा और फंक्शन के मान के बराबर होगा, मतलब एक तरफ कंटिन्यू होगा और दूसरी तरफ सीमा एग्जिस्ट नहीं होगी, या तो दाईं सीमा एग्जिस्ट नहीं होगी या फिर बाईं सीमा एग्जिस्ट नहीं होगी, और इनफाइनाइट में दोनों सीमाएं अनंत या फिर एक सीमा अनंत। अब क्या है ये कुछ कंटिन्यूटी के हमारे पास प्रकार है, इनकी हम क्या करेंगे जाँच करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स है और कुछ क्वेश्चंस जिनके आधार पर हम क्या करेंगे कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया हुआ अभी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर 5। एक दो एग्जाम्पल मैं करवा दी, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है या विवेचना करनी है। साइन 1/x फंक्शन है हमारा, साइन 1/x एक्स बराबर नॉट इक्वल टू 0 की, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान है 0, एक्स बराबर 0 की कंटिन्यूटी की जांच करनी है। ये वाला हमारा फंक्शन है एफ एक्स, एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको देखने से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है देखने से इसको कि सॉल्यूशन देखिए इसका कि एक्स बराबर 0 पर फलन का मान कितना है एफ 0 पे फंक्शन का मान 0 है। ठीक है स्टूडेंट, एक्स बराबर 0 पे फंक्शन का मान 0 और जब x टेंस टू 0 है तब ये वाला फंक्शन हमारा, अर्थात लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन एफ एक्स कितना है हमारा एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 उस कंडीशन में फंक्शन है साइन 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये जब x का मान 0 की ओर अगर सर है तो साइन 1/x है। ठीक है एफ एक्स, तो इसकी LHL ज्ञात करेंगे 0 पे, LHL के लिए f 0 प्लस 0 माइनस h या लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 या 0 प्लus h रखेंगे 0 माइनस h, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 1/0 माइनस एच। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जगह लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस 1/h, मतलब साइन एक्स का जो मान है वो 1 और माइनस 1 के बीच होता है, अर्थात 1 तथा माइनस 1 के बीच है इसका मान। इसका मतलब इसका कोई यूनिक मान नहीं है, एक पर्टिकुलर मान नहीं है इसका जिसके मान का हम निर्धारण नहीं कर सकते। तो यहाँ से LHL हमारी क्या है निर्धारित नहीं है कि कितनी है, एग्जिस्ट तो है परंतु ये नहीं पता कि कितनी हमारी LHL। ऐसे ही f 0 प्लस h ओनली फंक्शन का मान है हमारे पास 0 पे 0, वही 0 प्लस h आएगा साइन 1/h, तो इस कंडीशन में भी इसका मान 1 और माइनस 1 के बीच रहेगा। यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन है इधर पॉजिटिव साइन, परंतु निर्धारण नहीं है कि सीमा कितनी है हमारे पास, इसका मतलब
एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो इसको बोल सकते हैं कि ये प्रथम प्रकार से है। संगत हमारे पास मान नहीं है पर्टिकुलर कि इसका मान कितना है, इसका मतलब ही कौन से प्रकार से डिसकंटिन्यू है, प्रथम प्रकार से डिसकंटिन्यू बोल सकते हैं इसको। या रिमूवेबल में क्या होता है, फंक्शन का मान बराबर नहीं होता है एलएचएल और आरएचएल, परंतु एलएचएल और आरएचएल का तो इधर निर्धारण नहीं है, तो ये रिमूवेबल तो है नहीं, इसका मतलब एलएचएल और आरएचएल दोनों बराबर नहीं है, परंतु फंक्शन का मान हमारे पास जीरो रहता है, ये प्रथम प्रकार से डिसकंटिन्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे हम कंटिन्यूटी का क्या करेंगे, इन कंटिन्यूटी की जाँच करेंगे क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के फोर्थ लेक्चर में उन पर डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।